अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी बजे हैं सुबह के तकरीबन 5:30 और मैं कब का उठ चुकी थी और अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत मौसम हो रहा था और मैं उठते ही अपने प्लांट्स को एक बार निहार लेती हूँ, जिससे मेरा बिल्कुल मेरी नींद खुल सी जाती है और बहुत ही फ्रेश महसूस करती हूँ। और यहाँ पे मैं वार्म वाटर ले रही हूँ। सुबह सुबह पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है और वो भी वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी। आप अगर नींबू और हनी के साथ इसे लेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज मेरे पास हनी ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं सिर्फ वार्म वाटर पी रही हूँ। और इससे आप दिन भर फ्रेश महसूस करोगे जब सुबह सुबह पानी पी लेते हो। तो अभी मुझे बनाना था लंच सुजैन के स्कूल के लिए, तो ये मैं आज उसे पास्ता दे रही थी क्योंकि आज रोटी खाने का उसका दिल नहीं था। हालांकि बच्चों को हमेशा हेल्दी चीज़ें ही देनी चाहिए, तो ये भी हेल्दी ही है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और क्रीम भी डाल दिया था, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह से बनाकर उसे देते हैं तो उसे काफ़ी पसंद आता है। तो मेरे पास कोई वेज नहीं था इसमें डालने के लिए, तो मैंने ऐसे सिंपली बना दिया था और इसके लंच बॉक्स में मैं ये डाल रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। और सुजैन ने जब भी डिमांड किए तो मैं कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ और उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है ये और उसके दोस्तों को भी। तो मैं आज लंच में उसके लिए पास्ता ही बना कर दे रही हूँ और ये मुझे बहुत ईजी लगता है। हालांकि रोटी और सब्ज़ियाँ बना कर देना ही ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसे पास्ता ही दे रही हूँ। तो आज का लंच उसका यही है। तो इसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर बना कर दूँगी आपको और इसके अलग से वीडियो डालूंगी। तो यहाँ पे जो पास्ता था ना, बहुत ही यमी बना था, मैंने टेस्ट भी कर लिया था। तो सुजैन अभी उठी नहीं थी, उसे उठाना था और फिर उसे रेडी करके स्कूल भी भेजना था। और तो ये देखिए, ये लंच बॉक्स में मैं उसका जो पास्ता था उसे मैंने पैक कर दिया था और अब सुजैन को उठाने की बारी थी। और उसके बाद अभी टाइम था थोड़ा उसके बस आने में, तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ खुद के लिए थोड़ी सी चाय, ताकि थोड़ा और भी फ्रेश महसूस हो। तो यहाँ पे सुजैन को भेजने के बाद ये देखिए, मैंने अपने बाकी लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया था। तो नाश्ते में आज हमारा था तड़का, जो प्लेन तड़का था। इसमें बहुत सारे दालों को मैंने मिक्स किया था और राजमा भी था इसमें, तो बहुत ही यमी बनते। प्लेन ही बनाया था मैंने, इसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं डाले थे। तो यहाँ पे बस प्याज, लहसुन, अदरक और टोमेटो से मैंने इसे बना लिया था। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, आप इसे हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हो। तो ये देखिए, बहुत ही देखने में ये बहुत इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और खाने में तो माशाल्लाह अच्छा ही बना था। तो यहाँ पे हमारा ये तड़का तैयार हो गया था। अब मुझे बनानी थी रोटियाँ, तो वो भी मैं नाश्ते में जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ और उसके बाद घर के सारे काम करने होते हैं। तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, सारा दिन बस काम ही करने होते हैं, लेकिन आप इसे इजी वे में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लेन रोटी बना रही थी तड़के के साथ। तो ऑयली चीज़ें, यानी कि अगर मैं पराठा या पूरियां या नान बनाती तो उसमें ऑयल यूज़ होता है, इसलिए मैंने सोचा कि हेल्दी खाना है तो बस हेल्दी ही खाना है आज। तो प्लेन रोटी के साथ तड़का बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, तो मैंने आज प्लेन रोटी ही बनाई थी। और उसके बाद ढेर सारे काम थे तो मैंने जल्दी फटाफट नाश्ता तैयार कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने काम से और अभी बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन 1:30, यानी कि 1:30 PM हो रहे हैं अभी। और अभी सुजैन आने वाली होगी तो मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि बस जो आती है ना वो रोड के उस साइड उतरती है इसलिए। और मैं यहाँ पे एक बंदर क्या कर रही है बैठ कर, ये देख सकते हो ये कौन बंदर है, आपको भी पता होगा कौन है, ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? मोटू नाम है। ओ ओ, तुम्हारा नाम मोटू कब से हो गया? नाबिया था ना तुम्हारा नाम? मोटू है, वेरी गुड। लेकिन तुम तो मोटे नहीं हो, खड़ी हो जा, खड़ी हो, नज़दीक आओ। तुम मोटी कहाँ हो, किधर मोटी दिख रही हो तुम?
झूठ बोल रही, झूठ। स्कूल से आने के बाद लोगों का कितना, अरे वाह, मेरा नाम लेके गाना सुन रहे। सो गाइस, अभी शाम का वक्त हो रहा था और मैं यहाँ पे अपने टेरेस पे आ गई थी और यहाँ का जो नज़ारा था ना, वो देखकर मैं ख़ुद को रोक नहीं पाई और मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो ये देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़े से बादल भी हैं और सनसेट हो रहा है, तो कितना खूबसूरत व्यू है। ये आसमान बिल्कुल लाल हो चुका था और साथ ही साथ काले काले बादल छाए हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मुझे तो सनसेट पसंद ही है। और ये देखिए, चांद भी नज़र आ रहा था अभी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 तकरीबन और सुजैन शायद अपने कज़न्स के साथ खेल रही होगी या पता नहीं कहाँ गई है, मेरे चाचू के साथ गई होगी क्योंकि उसके चाचू उन लोगों को ले जाने वाले थे कहीं पे, तो शायद वहाँ गई हो, तो अभी मुझे नहीं मिल रही, देखती हूँ कहाँ गई है। कहाँ गई थी तो What is this? One bite sandwich or pizza? Oh my God! किसके साथ गई थी? मुझे तो पता भी नहीं चला। टट्टू, टट्टू। Oh, very nice. One bite. इसी unboxing में अभी आपके सामने कर। तो इस पैकेट के अंदर है ये सैंडविच और इसमें है हमारा तो ये हमारे लिए ना, तुम तो खाकर ही आई होगी। मेरी बदौलत आया है वो तो मेरे लिए है ना। वाओ, दिस इज सो यम्मी गाइस। गाइस, एक्सचेंज हो गया था अभी वहां पे, मजा आया बहुत। पर ये वन बाइट कहाँ पे है बता दो। न्योरी, न्योरी रिंग रोड, इरबा, इरबा न्योरी रिंग रोड, नियर रिंग रोड। चलिए गाइस, मैं सुबह आराम करती हूँ। सुजान ये लेकर आई है गाइस। अभी चीज पूल नहीं हो रहा क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि हमें आने में थोड़ा टाइम लगा। वाओ, सो यम्मी। तो क्या क्या लेकर आए हो? अच्छा, तुम तो खा कर आई थी ना, तो फिर मुँह चलाना बंद करो। लुकिंग लाइक अ वाव। तो सुजान यहाँ पे खाए जा रही है और मुझे पूछ भी नहीं रही है, बस मेरा नाम है कि ये मेरे लिए आया है, बट ये देने वाली नहीं है मुझे। पॉकेट मनी किसकी बच्चों? मैं जी। अच्छा, डैडी ने पैसे किसके लिए दिए थे? कि मम्मा के लिए भी लेकर आना। तो पॉकेट मनी तो मेरी थी ना। तुम्हारी पॉकेट मनी क्या? मैंने पापा को गिफ्ट किया तब तुम्हारे लिए आया। तो मैं भी यहाँ पे खाकर बताती हूँ ये कैसा लगा है, इसका टेस्ट। वाओ, सो गाइस, इट्स सो टेस्टी। तो मैं अभी खाने वाली हूँ इसे, ये देख सकते हो आप। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।